फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं पर कहीं कोई गलती हो जाती है जिसके कारण हमारा काम नहीं हो पाता या फिर ठीक से नहीं हो पाता है। घर की कोई छोटी चीज़ हो या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, तो ऐसे ही सेम चीज़ बहुत से लोगों से कटिंग नहीं लगती है और प्रोपगेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो इरिटेशन से होता है कि क्यों नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, कटिंग नहीं लगती तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली प्रोपगेट कर सकते हो। वैसे पर्सनली मुझे कटिंग से पौधे लगाना बहुत पसंद है, पर आज की वीडियो में मैं कटिंग से नहीं बल्कि उसको रूट डिवीज़न से प्रोपगेट करूँगी, और या फिर गमले के साइड से बेबी प्लांट निकालना बोल लो, मैं बस उसी की वीडियो शेयर करूँगी। इस मेथड में आपका प्रोपगेशन 100% सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि इनमें ऑलरेडी रूट बनी रहती है, तो इसको कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना, सभी कुछ इस वीडियो में मिलेगा। और ये वैसे कहा जाए तो ये वाला मेथड आप मार्च के टाइम पे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, इतने हार्डी होते हैं कि इस टाइम पर भी आप करोगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी, उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पहला खूबसूरत प्लांट जिसको कि आप रूट डिवीज़न करके इजीली लगा सकते हो, और बहुत ही हार्डी प्लांट है और एकदम परमानेंट प्लांट है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है पैंडनस की, ये एक वैरायटी है और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बासमती राइस की खुशबू आती है, इसलिए इसको बहुत सारे लोग बासमती प्लांट कहते हैं, कहीं पे कोई इसको बिरयानी प्लांट कहते हैं, तो ये सारे इनके नाम हैं और ये पैंडनस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप रूट डिवीज़न करके ईजिली लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और ईजी टू केयर है। और इसको मैंने लिया यहाँ पर गार्डन सोयल, सैंड और कोकोपीट और कंपोज लीव, लेकिन आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो, ये इजिली प्लेन गार्डन सॉइल में इजिली सर्वाइव कर जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेजिटेबल पिल्स का छिलका वगैरह जो भी होता है उसको अच्छे से ड्राई कर ली हूँ। ड्राई करने के बाद, चूँकि गमला भरने के लिए ज़्यादा मिट्टी ना लगे, इस वजह से मैं ये सारे चीज़ को डाल रही हूँ, उसके ऊपर से फिर मैं मिट्टी से फिल कर दूंगी। तो इस तरह से भी आप अपने गमले को भर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ईजिली रह जाता है। तो ये अंदर से धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाएगा, तो एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रूट डिवीज़न कर लिया है पहले से ही, अब यहाँ पे आप या तो एलोवेरा जेल लगाओ या फिर जो भी आपके पास रूटिंग हार्मोन है वो लगा के आप इसका इजिली प्रोपगेशन कर सकते हो। अब करूँगी बात वाटरिंग का। वाटरिंग इसको कितना देना है, तो इसका ऊपरी सतह एकदम से ड्राई हो तो ही वाटरिंग करना, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम जब ऊपर का लेयर जब एकदम ड्राई होता है तो ही आप इसको पानी दें। और इसकी लोकेशन मैं ऐसे जगह पे करती हूँ जहाँ पे सुबह की एक दो घंटे की धूप है, बहुत ज़्यादा मतलब इस पर धूप ना पड़े और बहुत ज़्यादा एकदम कम धूप ना पड़े, ये भी बात है, दोनों चीज़ है। तो इसका कम से कम 2-3 घंटे की धूप आए वैसे जगह पे आप इसको रख दो। अभी फ़िलहाल ऐसे जगह पे जस्ट प्रोपगेट करके ऐसे जगह पेड़ वेड़ के नीचे रख देना या फिर छाया जगह पे रख देना। फिर थोड़ा जब ये वाला प्लांट आप देख रहे हो, इसी से मैंने रूट डिविज़न किया है और इसको मैं इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे ही रखती हूँ। अभी तो चूँकि बहुत तेज़ गर्मी है, इस वजह से किसी बड़े पेड़ के नीचे रखती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही हार्डी प्लांट है जिसको कि आप रूट डिविज़न करके ईजी लगा सकते हो, तो और बहुत ही इजी वे है इसका प्रोपगेशन, जैसा कि आपने देखा। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, ये भी आप इस प्लांट को भी आप रूट डिवीजन करके इजीली एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी सारी ब्यूटी इसके पत्ते में आपको नजर आएगी, इसके पत्ते में ग्रीन के साथ व्हाइट व्हाइट का पैच बना हुआ जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसका प्रोपगेशन भी आप रूट डिवीजन करके इजीली कर सकते हो। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है इंडियन पेनीवर्ट प्लांट, और ये बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप साइड से बहुत सारे इसमें ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो आप साइड से कुछ ब्रांचेस ले लो और नए पॉट पे लगा दो, बहुत इजी वे में लग जाता है। और इसकी वाटरिंग की बात करूँ तो इसको ऊपर का लेयर जब ड्राई ड्रेसर रहता है तो ही पानी देती हूँ, और इसको भी मैं पेड़ के नीचे ही रखती हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा धूप भी ना पड़े और कम धूप भी ना पड़े। तो इस तरह से आप इसका लोकेशन करना और इस तरह से आप इसकी देखरेख करना और इस तरह से आपने प्रोपगेशन करना रूट डिवीज़न करके। साइड से आप बेबी प्लांट्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसको आप बस निकालो और नए गमले में लगा दो अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ऑनलाइन इसकी प्राइस 190 के आसपास थी।
और ये है दूसरा प्लांट जिसको कि एक प्लांट से कई प्लांट इजली बना सकते हो। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी ऐसा प्लांट होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, इतने ज़्यादा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है कि आप थक से जाओगे, किसको दूँ और कहाँ रखूँ और कहाँ एडजस्ट करूँ। तो देखो अभी मेरे पास इतने सारे प्लांट है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको कहाँ पर एडजस्ट करूँ। फेंकना तो है नहीं, फिर किसी को ज़रूरत होगा तो मैं दे दूँगी, हालांकि अभी तो किसी को ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मुझे ज़्यादा प्लांट होना भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे प्लांट को कहाँ एडजस्ट करूँ। तो आपने देखा कि ये रूट डिवीज़न करके इतने सारे प्लांट हो गए। अभी मैं इसका सारा अच्छे से रूट्स वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद उसको नया गमला दूँगी। तो इस तरह से आप देख लो कि एक प्लांट से कई प्लांट बनाए। एक छोटा सा मैं जब स्टार्ट की थी तो एक छोटा सा इसका मैं लेके आई थी, तो उससे इतना ज़्यादा ये भर जाता है। तो ये एग्लोनिमा प्लांट भी ऐसा प्लांट है कि जो कि बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। और देखो बकेट फुल होके मेरा यहाँ पे भी रखा हुआ। तो इस तरह से आप इस प्लांट को साइड से निकाल के आप एक प्लांट से कई प्लांट इजली बना सकते हो और पूरे अपने गार्डन को ग्रीनरी से भर सकते हो। और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है, कोई खाद फर्टिलाइज़र कुछ का भी ज़रूरत नहीं होता है। सिंपल आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा दो तो ये मस्त चलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इवन ये पानी में भी, इसकी कुछ जो आप देख रहे हो इसको रूट का अच्छे से काट वाट के कुछ का मैं पानी में ही रख दूँगी, पानी में भी ये सालों साल रहता है। तो आपके पास अगर गमला नहीं है, सॉइल मिक्सचर नहीं है, तो आप सिंपली इसको पानी में भी लगा के छोड़ सकते हो। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की और भी सारी बहुत सारी वैरायटी है और सारी वैरायटीज़ की बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही प्यारी होती है। ये ग्रीन वाला बहुत ज़्यादा हार्डी होता है तो ये जंगल की तरफ फैल जाता है। तो इसको आप ज़रूर से लगाओ अगर आपके घर में नहीं है। तो इस तरह से आप इस प्लांट का प्रोपगेशन कर लेना रूट डिवीज़न करके। और ये है दूसरा प्लांट जिसको कि आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम लो केयर। लो केयर मीन्स मैं बोल रही हूँ तो सच्ची ये लो केयर में ही चलने वाला प्लांट है, क्योंकि इसको पानी भी बहुत कम देती हूँ, मतलब कि मंथ में एक दो बार ही देती हूँ, तो भी ये बहुत मस्त चलता है। और ये भी बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, आप एक बार एक गमले में लगाओगे तो इतना ज़्यादा गमले में भर जाएगा उसके बेबी प्लांट्स की, गमला तोड़ देगा ये, इतना ज़्यादा इसमें बेबी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ मैं कुछ बेबी प्लांट्स निकाल के लाई हूँ जिसको कि मैं लगा रही हूँ। इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये इजीली लग जाएगा, इसके लिए कोई सॉइल मिक्सचर मत बनाओ और प्लेन गार्डन सॉइल में ही लगा दो तो इसको एकदम मस्त चलेगा, बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। तो और इसकी वाटरिंग की बात करूँ तो मैंने जैसे बोला कि महीने में एक बार देती हूँ, तो आप उसी आप देख लो एकदम ऊपरी सतह एकदम ड्राई सा हो तो ही पानी देना, ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस तरह से आप इसके रख रखाव करना। और लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन मैं जब जैसा मन करता वैसे करती हूँ, कोई ये नहीं है कि बहुत धूप में ये ख़राब हो जाता है या फिर छाँव में ये हो जाता है। कभी मैं इसको अंदर भी रखती हूँ, कभी मैं बाहर भी, छोटे छोटे जितने आप पॉट्स वगैरह देख रहे हो तो उसको मैं अंदर रखती हूँ, कभी बाहर करती हूँ, इस तरह से अंदर बाहर करके रख देती हूँ। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है जिसको कि आप इजिली एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो रूट डिवीज़न करके। तो इस तरह से बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिसको कि आप रूट डिवीज़न करके ईजिली एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये एक सिंगोनियम की वैरायटी है जिसका जो लीफ होता है वो टच करोगे तो वेलवेट से आपको लगेगा, मखमल से एहसास लगेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, सिंगोनियम की एक वैरायटी होता है, इसका नाम है सिंगोनियम वेंडेलैंडी, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो और इसका आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट इजली बना सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपके घर में, अगर ये प्लांट है तो आप इससे एक प्लांट से कई प्लांट इजली बना लो। और दूसरा जो प्लांट है जिसको कि आप एक प्लांट से कई प्लांट रूट डिवीज़न करके बना सकते हो वो ये है। ये भी एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है, बट ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करता, आराम आराम से करता। तो जब इसके बेबी प्लांट्स आए तो आप एक प्लांट से कई प्लांट बना लेना इजली। और ये है दूसरा प्लांट जिसको कि आप एक प्लांट से दो प्लांट, तीन प्लांट, चार प्लांट, जितना भी चाहो उतना प्लांट बना सकते हो। बहुत ही प्यारा प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरिका पाम प्लांट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। इंडोर में ऐसे जगह पर प्लेसिंग करना जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। और जब आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो एक प्लांट से कई प्लांट आप रूट डिवीज़न करके बना लेना। अभी थोड़ा तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो बस एक दो वीक का बात है, एक दो वीक में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, उस टाइम पे आप कर लेना, थोड़ा सा एक दो वीक रुक जाओ, उसके बाद आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग करके आप एक प्लांट से कई प्लांट इजली इसको रूट डिवीज़न करके बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसमें से रूट्स निकले हुए हैं। आप इसको सिंपली डिवीज़न कर दो,
और डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है इनडोर आउटडोर। अपने ऑफिस में भी कहीं पे देखा होगा, हर जगह ये रहता है। तो इसको आप कहीं से भी आप ले आओ और या फिर आप नर्सरी से बाय करो और एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बना लो। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो उसको भी आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। ये भी अपने बेबी प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मॉसेस इन द कडल। आप लोगों के पास भी होगा ये सारे प्लांट्स, अगर है तो आप उससे एक प्लांट से कई प्लांट बना दो। इवन ये छोटे से डब्बे में भी इजीली लग जाता है, कबाड़ में भी आप इसको लगाओगे तो बहुत इजी वे में लग जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि अपने बेबी प्लांट्स निकालते रहता है, जिससे कि आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। ये दूसरा खूबसूरत प्लांट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन प्लांट है, और ये स्नेक प्लांट है। ये भी अपने बेबी प्लांट्स बहुत ज़्यादा निकालता है। इसको भी आप एक प्लांट से कई प्लांट रूट डिवीज़न करके बना सकते हो, चाहो तो कटिंग करके बना सकते हो। जिस वे से आपको सिंपल लगता है, इस प्लांट को आपके घर में है तो आप बनाओ, एक हर रूम में रखो। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से बाय करो या कहीं पे भी पार्क में आपको एक छोटा सा लीफ भी मिलेगा तो उस लीफ को ले आओ, पानी में छोड़ दो और उसको उसमें बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसको आप सोयल मीडिया में लगा दो तो बहुत जल्दी इसमें से एक प्लांट से कई प्लांट हो जाएंगे। फिर आप उसको रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट बना देना। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हर एक रूम में इसको रखो और हर जगह आप इसको प्लेसिंग करो। इसको भी वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक सेकुलर वैरायटी की प्लांट है, तो इसके लीफ के अंदर ऑलरेडी पानी स्टोर रहता है। इस वजह से इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जब ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई हो तो ही पानी देती हूँ। और दूसरा जो प्लांट है उसको भी आप रूट डिवीज़न करके इजिली एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट, जो कि अपने बेबी पब्स भी बहुत जल्दी निकालता है, बहुत ज़्यादा निकालता है और अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। इससे भी आप परेशान हो जाओगे कि कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल के आए हैं। तो इसको भी रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बनाया जाता है, बहुत ही प्यारा। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन का काम करता है और इसको भी आप इनडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो, हैंगिंग बास्केट में भी रख सकते हो, इवन इसको एक छोटे से कबाड़ में लगा के रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा के रखी हूँ छोटे से कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर वाले पार्ट में। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसका कि नाम है डमकिन। इसको आप दो वे से लगा सकते हो, या तो एक कटिंग से लगा सकते हो और इसके नीचे से भी बहुत सारा बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं, तो उससे भी आप निकाल के बेबी प्लांट्स निकाल के एक प्लांट से कई प्लांट इजिली बना सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको भी इनडोर रखा जा सकता है, लेकिन इनडोर में ऐसी जगह रखा जा सकता है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। और डमकिन प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन का काम करता है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को भी आप लगा लो, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको भी आप प्लेन गार्डन सॉइल में इजी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि आपसे कटिंग नहीं लगती है तो कोई नहीं, आप रूट डिवीज़न कर लो ना, रूट डिवीज़न में तो ऑलरेडी रूट बनी होती है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से आप रूट डिवीज़न करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो और अपने गार्डन को ग्रीनरी से भर सकते हो। और मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, फाइनल वाला बाय, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरी वीडियो लाइक करना ना भूलना।